Assalamualaikum, welcome back to my channel Food Kitchen 92. मैं हूँ मेरुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सी रेसिपी. ये है दही के कटलेट. बहुत ही लाजवाब रेसिपी, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. और इस रेसिपी में आपको मेयोनीज बनाना भी सिखाऊंगी. यहाँ पर हमने 400 ग्राम दही ली थी और उसको पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है. देखिए दही में बिल्कुल भी पानी नहीं रहा. और थोड़ी सी यहाँ पर हम लोगों को सूजी लेनी है, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ी सी कटी हुई लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, कटी हुई हरी धनिया, थोड़ी सी अदरक लहसुन बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून वाइट मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए. अब दही में हम सारी इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे. यहाँ पर मैंने हरी शिमला मिर्च मिला दी है, ये देखिए, पीली शिमला मिर्च भी, ये लाल शिमला मिर्च, जिंजर और गार्लिक, देखिए वाइट मिर्च मिला दी, ज़ीरा पाउडर, नमक, कटी हुई हरी धनिया, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. ये देखिए बिल्कुल क्रीमी हो रही है दही. दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल क्रीम जैसी हो गई है ये. अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर आधा आधा करके कॉर्नफ्लावर डाल देंगे. 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर था इस सारा हम इसके अंदर डालेंगे. ये देखिए बाकी भी डाल देंगे. अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे. ये देखिए अब हम मैंने हथेली पे ऑयल लगा लिया है, आप लोग भी लगा लीजिए. इससे जो दही के हम कटलेट बनाएंगे वो हाथों में चिपकेंगे नहीं, तो ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर आप दही का पानी निकाल देंगे, बिल्कुल निचोड़ देंगे, रात में आप लोग इसे कपड़े में डाल के दही को लटका दीजिए तो वो बिल्कुल पानी निचोड़ जाएगा. और सुबह होने के बाद आप उसको प्रेस करके भी बिल्कुल पानी को निकाल सकते हैं. और ये देखिए बिल्कुल इसको कटलेट की शेप दे दीजिए और फिर उसको डायरेक्ट सूजी में डाल के इसको अच्छी तरीके से इस तरह से सूजी पे कोट कर लेना है. और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे जो बिगड़ गया है कटलेट उठाने में. यहाँ पर हम इसे कर लेंगे डीप फ्राई. ऑयल गर्म करने के बाद जो हमने कटलेट बनाया है सूजी में लपेट के, वो हम इसके अंदर डाल देंगे. दही के कटलेट बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा. और बहुत ही इजी सा स्नैक है, बहुत जल्दी बन जाता है. मैं आपको मेयोनीज बनाना भी सिखाऊंगी इसके साथ. अगर आप मेयोनीज लगा के खाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. केचप मेयोनीज बहुत ही लाजवाब लगता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते, तो इसलिए बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ही यम टेस्ट होता है. मोस्टली हम लोग जो हैं वो इसको मटर के पुलाव के साथ खाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल कबाब की तरह. तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए. ये देखिए अच्छा सा बिल्कुल हमें इसे गोल्डन सा रंग देना है और बहुत ही डिलीशियस से कटलेट बन के रेडी हो जाएंगे. ये देखिए हल्का हल्का से चला के बना रहे हैं हम, फुल फ्लेम पे बना रहे हैं. और देखिए कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही लाजवाब से खुशबू आ रही है. ये देखिए बन के रेडी है. और ये करने के बाद अब हम मेयोनीज की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हम मेयोनीज बनाएंगे. और ये छोटू सा जो पैर है वो मेरे भतीजे का है, बहुत ज़्यादा रो रहा था कि बुआ मैं वीडियो में भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा, तो वीडियो के पास ही खड़ा हो गया वो. यहाँ पर हमने 300 ग्राम ऑयल लिया है, 2 अंडे और ये 2 क्लोव्स लिए हैं हमने लहसुन के, 1 टीस्पून चीनी और ये आधा टीस्पून जितना नमक लिया है. अब
अब हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, एयर टाइट कंटेनर लिया है क्योंकि मैं इसमें बनाकर ही इसको फ्रिज में रख के सेव कर लूँगी, एयर टाइट कंटेनर है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अंडा, अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से फटने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्लोव्स। ये मेरे भाई का हाथ है, आप लोग ये मत सोचे इतना मर्दाना हाथ मेरा है क्योंकि भाई की मैं हेल्प ले लेती हूँ, भाई की, पापा की, हम सारे बहुत ही शौक़ रखते हैं कुकिंग का। तो अभी मैं ऑयल डालूँगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे गिलास 300 ml जितना नहीं है, तो ये एक गिलास डालने के बाद ऑयल को हम आधा गिलास इसका और लेंगे, फिर ये 300 ग्राम बनेगा। ये देखिए, धीरे धीरे करके ऑयल हम डाल रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हमें बिल्कुल फ्लफ़ी चाहिए और उसके बाद इतना ज़्यादा क्रीमी हो जाना चाहिए मेयोनीज कि जब हम चम्मच से इसको निकालें तो वो गिरे नहीं। ये देखिए, और भी ऑयल ले लिया हमने, टोटल 300 ml ऑयल था ये, और अच्छी तरीके से फेंट रहे हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है क्योंकि बाहर की मेयोनीज ऐसी होती है, उसके अंदर अलग सा टेस्ट होता है जो अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो हम लोग होममेड मेयोनीज बनाते हैं जो बहुत ही डिलीशियस लगती है। ये देखिए, अच्छी तरह से बिल्कुल फ्लफ़ी होने लगी है। अब हमने इसके अंदर नमक डाल दिया है, हल्का सा नमक मिक्स करने के बाद ये हम इसके अंदर शुगर भी डाल देंगे और ये देखिए मेयोनीज बनके बस रेडी है। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस बनी है। ये देखिए कितनी क्रीमी है, गिर भी नहीं रही है और बहुत ही डिलीशियस बनी है। और जो ये भाई ने ली है ना फिंगर में, ये मेरे भतीजे को खिला दी क्योंकि वो पास ही में खड़ा था, उसे वीडियोस बनते देखना बहुत पसंद है। और ये देखिए, मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया था, मैंने उसको ढक दिया है, उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी और कभी भी इसे यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने कर दिया है इसे डिश आउट, दही के कटलेट को और मेयोनीज़ को। बहुत ही लाजवाब रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी ज़रूर चेक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे हमारी नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।